टुडे आवर टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, उससे पहले आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका 3D से रिलेटेड टॉपिक है। 3D में हमने क्या क्या डिस्कस किया है? 3D में हमने डायरेक्शन कोसाइंस हमने डिस्कस किया है, डायरेक्शन रेशियो हमने डिस्कस किया है। तो इसमें हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो हमने डिस्कस किया है और उनका बेसिक हमने यहाँ पे देखा है। उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने देखा है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये सब हमने देखा है। डायरेक्शन रेशियोज की क्या डेफिनेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज हमने देखा है। इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस ये जो पार्ट है ये आपका मैंने डिस्कस किया कि 3D का पार्ट है। और इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपने 11th क्लास में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया है, जहाँ पे जो इक्वेशन थी हमारे पास वो 2D थी, जिसमें हमारे पास स्लोप फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म था। तो ये डिफरेंट फॉर्म थी हमारे पास, जिनको हमने वहाँ पे अपने 11th में डिस्कस किया था। लेकिन वो जो इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन थी हमारे पास, वो हमारे पास इक्वेशन थी 2D, और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हमारे पास 3D। तो अगर हम बेसिक देखें तो वहाँ पे जैसे जिस तरीके से हमें स्लोप फॉर्म अगर हम फाइंड करते थे तो हमें एक्स एक्सिस के साथ किसी इक्वेशन का स्लोप गिवन होता था, तो उस केस में हम उसकी इक्वेशन फाइंड करते थे। तो फर्स्ट है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। सपोज दैट कि हमारे पास ये कोई लाइन है, तो इस लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है मेरे पास? तो इक्वेशन ऑफ लाइन वो इक्वेशन है आपके पास जो इससे जितने भी पॉइंट है आपके पास उन सभी पॉइंट को वो लाइन इक्वेशन जो है वो आपको उसे सेटिस्फाइड करती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है तो उन सभी पॉइंट का जो लोकस है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ये बेसिक जो चीज़ है, लेकिन हमारा टॉपिक है वो आपका है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि हम 2 की इक्वेशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारे पास जनरली 2 की इक्वेशन है। द फर्स्ट इज पॉइंट पैड है। फर्स्ट है आपका पॉइंट पैडल। इट मीन्स हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक गिवन पॉइंट से पास होती है और गिवन वेक्टर के पैडल है। आप यहाँ देखेंगे गिवन पॉइंट से पास होती है और ये गिवन पॉइंट के पैडल है। और ये भी हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। द वन इज वेक्टर इक्वेशन और सेकेंड इज कार्टेशियन इक्वेशन। सेकेंड है आपके पास पॉइंट पैडल के बाद इक्वेशन है आपके पास लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। और इसमें भी हम इक्वेशन जो है वो 2 पार्ट से देखेंगे। द वन इज वेक्टर फॉर्म एंड द अदर इज कार्टेशियन फॉर्म। तो हमारे जो टॉपिक में हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस देखने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल 2 टाइप ऑफ लाइन है। द वन इज पॉइंट पैरेलल मींस द लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। और इस ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम टू टाइप में देखेंगे। द वन इज वेक्टर इक्वेशन एंड द अनदर इज कार्टेशियन इक्वेशन। एंड द सेम द सेकंड इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है पासिंग थ्रू टू पॉइंट। और वो भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। द वन इज वेक्टर फॉर्म एंड अनदर इज कार्टेशियन फॉर्म। तो ये दोनों पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनका प्रूफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में। तो फर्स्ट है पॉइंट पैरेलल। पॉइंट पैरेलल या फिर आप इसको कह सकते हैं
equation of line, equation of a line passing through a point and parallel to a vector b vector. तो फर्स्ट है जो हमारे पास पॉइंट पैरेलल है, तो पॉइंट पैरेलल इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। तो इस तरह की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की इक्वेशन क्या होगी उसका हम प्रूफ यहाँ पे लेने वाले हैं। तो प्रूफ लेने के लिए आप देखेंगे कि हम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि विजुअलाइज करके ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास 3dx/y है। तो इसमें आपके पास हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर बी, तो हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सपोज हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पासिंग थ्रू ए पॉइंट, आप देख सकते हैं वो एक पॉइंट से पास होती है, तो जिसकी पोजिशन वेक्टर हो फ्रॉम ओरिजिन जो है वो आप देख सकते हैं वो ए वेक्टर है। सिंपल वो ए वेक्टर है आपके पास। तो ये जो लाइन है आपके पास, सपोज ये लाइन ए बी है, ये जो लाइन है वो उस वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर बी के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है एपी, या फिर आप कह सकते हो ये जो एपी वेक्टर है वो पैरेलल टू बी वेक्टर है आपके पास। तो उस केस में हमें इस इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो आप सिंपली अगर देखें एक लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए बी वेक्टर, हमें एक लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं कि इस लाइन पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, वो पॉइंट है पी। तो जो पॉइंट पी है उसका ओरिजिन से जो पोजिशन वेक्टर है आपके पास वो है आपका आर वेक्टर, समझेंगे आप। तो आप देखेंगे कि इसकी जो लाइन है पासिंग टू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमने लाइन इसको ए बी कंज्यूम किया था, कि एक लाइन है हमारे पास। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। तो उस केस में हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक ऑर्डिनरी पॉइंट है हमारे पास पॉइंट पी है, जिसकी पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन ओ जो है वो आर वेक्टर है आपके पास, आर वेक्टर है। तो ये जो पार्ट ए लाइन है एपी, एपी आप कह सकते हैं कि सर एपी जो है एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप बोलेंगे सर एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अब ये वेक्टर इसके अगर पैरेलल है इट मींस उनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो, पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो, नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है। जो डायरेक्शन इस बी वेक्टर की है वही डायरेक्शन सेम इसकी होगी आपकी एपी की या इस लाइन की होगी, और जो डायरेक्शन एपी की होगी वही डायरेक्शन इस पूरी लाइन की होगी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी मुझे किसी लाइन की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो किसी लाइन सेगमेंट की अगर डायरेक्शन हम फाइंड कर लेते हैं किसी वेक्टर की, उस पर्टिकुलर लाइन में किसी वेक्टर की अगर हम लाइन डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं तो वही सेम डायरेक्शन उस लाइन की डायरेक्शन होगी। तो सेम अगर इसी को देखें तो एपी जो है एपी पैरेलल टू बी वेक्टर, या फिर कह सकते हैं कि एपी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, इसको आप समझेंगे। तो एपी और बी की डायरेक्शन सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, तो इसलिए हमने कह दिया कि इसका मल्टीपल है। लैम्डा क्या है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो उसकी डायरेक्शन है ना ऑपोजिट हो जाएगी। तो उस केस में जो लैम्डा है वो आपका पॉजिटिव है। तो सिंपल देखिए एपी वेक्टर इक्वल टू हो गया आपके पास लैम्डा बी वेक्टर है, और एपी वेक्टर क्या होगा, एपी वेक्टर होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। पोजिशन वेक्टर ऑफ पी वो है आर वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर।
वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी वेक्टर। उस केस में आपके पास जो इक्वेशन है वो ये आपके पास है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब सिंपल आपको यहाँ से समझना है कि आप डायरेक्ट ए और बी फाइंड करके हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, आपको अगेन क्वेश्चन को विजुअलाइज करना होगा, आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि सर ये ए वेक्टर वो पॉइंट है और उस केस में जो पी है आपके पास, जो आपका पी है वो जो पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो जो ये जो लाइन है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो पॉइंट है आपके पास जिससे लाइन पास होती है और डी वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पे जो बी पी है बी वेक्टर के पैरेलल हमारी लाइन है, यानी बी वेक्टर हमें गिवन होगा जो जिसके पैरेलल हमें हमारी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है इसको कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है और बी वो वेक्टर है जिससे हमारी लाइन जिसकी पैरेलल है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये समझना था। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए एक तरीका और है आपके पास, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आप इसको ट्राइंगल लॉ से भी आप इसको हम प्रूफ निकाल सकते हैं कि पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ जो है वो आपके पास ए वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी जो है आपके पास आर वेक्टर है। तो अगर हमें डायरेक्शन देखें, इसकी ये डायरेक्शन होगी आपके पास और इसकी ये डायरेक्शन होगी, तो सिंपली अगर हम ये डायरेक्शन कंसिडर करें तो ये बन जाएगा आपके पास ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर जो है आपके पास वो है आपका आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर जो है आपके पास ए वेक्टर है एंड प्लस ए पी वेक्टर जो हमें फाइंड करना है। अब सिंपली अगर आप देखें ए पी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, ए पी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, तो ये वेक्टर हम यहाँ पे पुट करेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये आपके पास बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो प्रूफ है आपके सामने, तो प्रूफ का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जब प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम विजुअलाइज कर पाएं कि जो हमारी प्रॉब्लम है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, वो किस तरीके से आपने इसको प्रूफ निकाला है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको इसलिए हमने सिंप्लीफाई किया कि आप इसको अच्छे से जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि ए और बी क्या है और इनको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिंपली आप सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन की केस में हम इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब आप कंसीडर करते हैं तब आपको पता है कि सपोज है कि ये जो आर 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 वेक्टर है आपके पास, ये जो पॉइंट है जनरल पॉइंट है आपके पास, वो केस हो गया आपके पास ये एक्स वाई जेड हो गया आपके पास, ये ए जो पॉइंट है जिससे पास होता है, यहाँ से देख लेते हैं कि जो पॉइंट ए वेक्टर है आपका वो कोई पॉइंट है, तो मीन एक्स वन आई है वाई वन जे है एंड जेड वन ए है, ये हमारे पास वो पॉइंट है आपका। आर वेक्टर जो है आपके पास, आर हमारे पास कोई ऑर्डिनरी पॉइंट है जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो वो आपके पास उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई एंड जेड है। आर वेक्टर जो है वो है एक्स आई है वाई जे है एंड जेड ए है, वो हमारे पास आर वेक्टर है। आफ्टर दैट हम देखेंगे बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जो है आपके पास वो हम कंसिडर करेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये आपके पास बी वेक्टर है। तो यहाँ सिंपली अगर हम देखें तो हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, कार्टेशियन फॉर्म मीन्स हम ये जितने भी पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट के केस में हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आप देख सकते हैं आपके वेक्टर फॉर्म से ये इसको स्टार्ट करें, तो आपके पास देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में आपके पास लाइन ऑफ इक्वेशन जो थी वो थी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे आप आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं कि किस टाइप की इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होती है। तो आर वेक्टर जो है वो बन गया आपके पास एक्स वन आई है वाई वन जे है जेड वन के है, इसके बाद ए वेक्टर जो है सॉरी ये एक्स है हमारे पास पॉइंट ए जो है हमारे पास वो है आपके पास एक्स वन आई है वाई वन जे है जेड वन के है प्लस लैम्डा, ए बी वेक्टर जो है वो है आपके पास ए आई है बी जे है एंड सी के है, ये है एक्स आई है वाई जे है जेड के है
जेड है तो जेड वन प्लस लेमडा सी के है। हम इसको ओपन करने करेंगे, ओपन करने के बाद जो आई कैप जो कॉमन आने के बाद देखेंगे एक्स वन प्लस लेमडा ए आई कैप, वाई वन प्लस लेमडा बी जे कैप, जेड वन प्लस लेमडा सी और वो आपके पास है के कैप। अब हम कंपेयर करने वाले हैं, तो कंपेयर करेंगे बोथ साइड आई कैप जे कैप के कैप को। आई कैप और आई कैप कंपेयर किया तो ये बन गया एक्स इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लेमडा ए, सेकेंड आपके पास वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस लेमडा बी, जेड जो है वह जेड वन प्लस लेमडा सी। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेमडा जो है आपके पास एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू लेमडा ए, लेमडा इक्वल टू है आपके पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए। सिंपली ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू लेमडा बी, लेमडा जो है वो है वाई माइनस वाई वन अपॉन बी। सिंपली यहाँ से सॉल्व करेंगे जेड माइनस जेड वन इक्वल टू लेमडा सी, जो लेमडा है वो है जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो आपने देखिए लेमडा 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 है तो सिंपली इन दो हम इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो आपने जब इनको इक्वल पुट करेंगे तो लेमडा इक्वल टू आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी आपके पास, तो जो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन है वो आपके पास ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन जो फॉर्म होके आ रही है आपके पास वो बनेगी आपकी, तो इक्वेशन है आपके पास एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पे सिंपल आपको अगेन थोड़ा सा अपने को यहाँ पे अपने माइंड में थोड़ा सा जोर डालना है आपको कि देखिए एक्स एक्स वाई जेड ये किसी भी इक्वेशन की आपके ऑर्डिनरी पॉइंट हैं वो आपके पास फिक्स रहेंगे, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। आपने अपने लास्ट क्लास में भी देखा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 ये जिस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें x और y जो है वो आपके पास चेंज हो सकते हैं, हमारे पास उसी पर्टिकुलर लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो वैसे ही x y और z ये आपके सेम रहेंगे लेकिन x1 y1 z1 ये आपके पास वो पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास दिस इज x1 y1 z1 वो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं 2 3 4 0 2 3, तो वो पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट हमें यहाँ पुट करना है। एंड ए बी सी क्या है, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन इफ ए वेक्टर विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, यानी जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसके जो पैरेलल वेक्टर है हमें वो बी वेक्टर, उस बी वेक्टर और हमें पता है कि कोई भी अगर वेक्टर है तो उसके आई कैप जे कैप के कैप की जो कोएफिशिएंट है जैसे डायरेक्शन रेशियो, सिंपल आपको समझना है ए बी सी जो है हमारे पास दीज आर टू डायरेक्शन थ्री डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास किसके, कि एक जो अपनी लाइन है वो जिसके पैरेलल है जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। और वेक्टर फॉर्म जो है आपके पास, वेक्टर फॉर्म जब आपको कन्वर्ट करने हो तो बन जाएगी आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सिंपली आप यहाँ से भी देख सकते हैं आर वेक्टर जो है वो ए ये पॉइंट है हमारे पास और ये वो वेक्टर है जो हमारी लाइन के पैरेलल है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट हमने पार्ट देखा कि पॉइंट पैरेलल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, उसका जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट आपका पॉइंट पैरेलल या ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड देखिए, सेकंड आप डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में, तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। सेकेंड केस है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू
इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, तो ये हमें इसका अपने पास इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हम टू टाइप से फाइंड करेंगे. द वन इज वेक्टर फॉर्म, द अनदर इज कार्टेशियन फॉर्म. तो फर्स्ट हम इसकी वेक्टर फॉर्म को कंसिडर करेंगे. अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, इसको भी हम अगेन विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. और इसका जो प्रूफ है, जिस तरीके से हम प्रूफ निकालेंगे, तो उससे आपको आप इसका बेसिक समझ पाएंगे कि जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको जस्ट समझ में आने वाला है कि कौन जो पॉइंट है वो किस तरीके से है, किस टाइप से हमारी इक्वेशन होगी. और जो हमारा फॉर्मूला है प्रूफ में, हो सकता है कि एग्जाम में बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, फिर भी आप अगर हमने प्रूफ अच्छे से निकाला है तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, फॉर्मूले को आप अगेन प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, सपोज दैट ये हमारे पास लाइन है जो किन्हीं दो पॉइंट ए और बी से पास होती है. आप देख सकते हैं पॉइंट ए द गिवन लाइन, ये जो लाइन है आपके पास, द गिवन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. फर्स्ट वी फाइंड द पोजिशन, फर्स्ट वी फाइंड द वेक्टर फॉर्म. दैट्स वाई द पोजिशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज ए वेक्टर. तो फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं वो आपके पास ए वेक्टर है, एंड पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम द ओरिजिन वो आपके पास बी वेक्टर है. तो हमें सिंपली इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. अब आप देख सकते हैं इसी केस में हमने एक ऑर्डिनरी स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे बी कंसिडर किया, जिसकी पोजिशन आर से जो है वो आपके पास आर वेक्टर. अब आप सिंपल हम अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप उसको हम ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने देखा कि 3D स्टार्ट जब हमने किया है तो वेक्टर जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू है. तो अगर आपने अभी तक वेक्टर को अगर अच्छे से नहीं किया है तो अपने लास्ट वीडियोज हैं उनमें प्ले लिस्ट में जाके आप जो वेक्टर चैप्टर है उसको अच्छे से अपना नॉलेज को गेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम लेंगे ये थ्री जो पॉइंट है, ये हमारे पास एक स्टेशनरी ऑर्डिनरी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास जिसकी पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन वो आर वेक्टर है. उस केस में अगर अपन देखें तो ये जो आपका एपी है, एपी और कोई भी एक कोण लेते हैं कंसीडर करते हैं एपी, और एपी एंड एपी आप देख सकते हैं कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन पे है. तो वो केस क्या होगा मेरे पास, तो आप कह सकते हैं कि सर एपी वेक्टर जो है एंड एपी वेक्टर आर कोइंसिडेंट व्हेन इसका लेफ्ट हैंड है. दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन हो सकता है कि मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट हो. एपी वेक्टर इक्वल टू हो गया लैम्डा एपी वेक्टर. अगर हम एपी वेक्टर कंसीडर करें तो एपी वेक्टर जो है आपके पास वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. अगेन देखेंगे आप पी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. ये हमारे पास कंसिडर होता है. तो यहाँ से अगर अपन देखें ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो है वो है आर वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो है ए वेक्टर लैम्डा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वो आपके पास बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो आपके पास ए. तो जो इक्वेशन बन के आएगी आपकी आर वेक्टर इक्वल्स टू वो है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो सिंपली अगर ये देखें दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ या आपकी वेक्टर इक्वेशन है. या आप देखा ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट. अब सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि ए वेक्टर वो पॉइंट है हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपने किया तो जो सेकंड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट में से आपने ए वेक्टर ले फर्स्ट वेक्टर को आपने यहाँ से माइनस किया और लैम्डा इसके साथ आपके पास आ रहा है. दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो वहाँ पे आपके पास आर वेक्टर जो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर था, लेकिन यहाँ पे आपके पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है. तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं. काफी इजी इक्वेशन बनती है हमारे पास कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से ये आपके पास ये इक्वेशन जो है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ या वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। इसी केस में हम इस इक्वेशन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन देखिए, तो कार्टेशियन इक्वेशन देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है या फिर इसको हम अगले कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली हम इसको आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद आप देखते हैं कि ये बनेगा x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, फिर है आपके पास y इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, लास्ट है आपके पास z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। सिमिलर हम यहाँ लैम्डा इक्वल टू फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। तो सिंपल हम यहाँ से लैम्डा इक्वल टू फाइंड करते हैं, तो लैम्डा होगा हमारे पास z minus z1 upon z2 minus z1।
सिमिलरली आप देख सकते हैं x1 y1 z1 हमारा फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट को माइनस किया या x2 x1 है वो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है a है तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास x2 x1 b तो b जो है वो y2 y1 और c जो है वो z2 z1 कौन से केस में जब दो एक लाइन या एक वेक्टर टू पॉइंट से पास होता है तो उस केस में हमारे पास ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं ये अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था अपन ने तो सेम आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन पर लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट तो उस केस में आप देखेंगे एक्स वाई जेड फिक्स है माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट है हमारे पास जिससे फर्स्ट पॉइंट जिससे लाइन पास होती है और अपॉन में आपके पास डायरेक्शन रेशियो है ए बी सी और ए कैसे फाइंड किया आपने कि जो एक्स के कोऑर्डिनेट है एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन वो अगेन आपके पास डायरेक्शन रेशियो देगी तो इस तरीके से ही हमने इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने टू टाइप्स से इक्वेशंस को कंसिडर किया है द वन इज पॉइंट पैरेलल द अनदर इज द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट और उनकी इक्वेशंस की हमने वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।